हाजरीन टीएमसी फगवाड़ा वाले की तरफों तुहाडी खिदमत एक बार फिर हाजिर हो रहे हाँ। लख दाता लाला वाला पीर पीर नगाहे वाला भाग तीजा लेके ਰੰਗਿਆ ਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੜਤ
राह जन्नत दा दिखला दे वे ਸਾਡੇ।
परम सत्कार जो सर्व साध संगत जीओ आप दी सेवा विच दानी जट्टी दा प्रसंग पेश करदे ने। पीर नगाहे वाला जिन्हां दे नगाहे चार ने चौहां दिशां विच, पहला नगाह मुल्तान दे नजदीक, दूसरा नगाह पुणे दे लागे पीर नगाह, तीसरा नगाह और दे लागे नगाह बलौनी, चौथा नगाह मोगे दे नजदीक जिथों दी हकीकत आप दी सेवा विच पेश करदे ने। लादे की पिंड दे विच दानी जट्टी जिहदे मां बाप लख दाते पीर दे पुजारी सन, लख दाते दे दरबार विच हर साल जाया करदे सन। दानी जट्टी छोटे जे पिंड दे विच तौले की ब्याह दित्ती, उस घर दे विच ब्याही चली गई जो पीर नूं मनन वाले नहीं सी। दानी जट्टी पीर दी न्याज दिंदी है, रोड़े वंडदी है, चूरमे वंडदी है। ओदे सौरे सौरा किशन सिंह और पति उजागर सिंह उन्हूं खिजदे ने कि तू मुसलमान दी पूजा ना कर, जिथे असी जाने उथे जाया कर। ओ कहिंदी मैं ते लख दाते नूं मनदी आ और लख दाता तो बगैर किसे नूं भी नहीं मन्नांगी। आखर उहनूं तसीहे देण लगे, कुछ दुख देण लगे। एक दिन दानी बेड़े दे विच सुंबर रही आ, पीर नगाहे वाले ने एक कौतक रचिया, एक तंदीरा जो गल दा शंगार है, गल दे विच पाउण वाला एक हार हुंदा, एक कैंठा हुंदा, एक माला हुंदी आ, तंदीरा भी एक गल दा ही गहना है। कहना पिया अपनी सस नूं आवाज मारी अदानी ने, बेबे जी आ एक शंगार पिया गल दा, पता नहीं की दा। तो दी सस भज के आई, कहन लगी दानिए ए चोरी कित्थों करके लियाई आ, ए तो मेरे पेकियां ने मैनू दाज विच दित्ता सी, तू क्यों चोरी कीता। ओ कहिंदी बेबे जी मैं चोरी नहीं कीता, ए तां सुंबर दी ने देखिया। ओ कहिंदी फड़ा ओरे, मैं अज कल च पा के वेख लां, सारी जिंदगी मैं पहनिया नहीं। जदों उहदी सस ने ओ कैंठा गल विच पा लिया, ऐसी लीला लखदाता दी होई, तंदीरे तो सप बन गया। तो दुहाइयां पाउंदी आ, ओदी दुहाई दे नाल सारा परिवार कट्ठा हो गया, आंढ गुआंढ दे लोग कट्ठे हो गए। अपने पीरां फकीरां नूं याद करदी आ, अपने देवतियां नूं याद करदी आ। आखिर कहण लगी दानिए अपने पीर लखदाता नूं याद कर, शायद मेरा बचा हो जाए, ए तंदीरा मेरा नहीं सी। तो दानी ने कहा बेबे जे तेरा कसूर है तो तू आपे पीर नु याद कर ले, शायद तेरा बचा हो जाए। तो दानी दी सस पीर नु यों याद कर दी है। दादा जी मैं तो फुल हो गई, मैं गलत तंदीरा पा बैठी। लख दादा जी मैं तो फुल हो गई, मैं गलत तंदीरा पा बैठी। मैं फस गई सां विच लालच दे, फस गई सां विच लालच दे, पर आपे मौत बुला बैठी। मैनू माफ करी पीरा, माफ करी हाय, मैनू माफ करी साइया, माफ करी। Thank you.
करिश्मा तेरा हाय मैं पापड़ ना जान संगीए सब करिश्मा तेरा मैं झूठ बोल के दानी नू मैं झूठ बोल के दानी नू और पैर को हाड़ी ला बैठी मैं फस गई साबित लालच दे फस गई साबित लालच दे पर आपे मौत बुला बैठी मैनू माफ करी पीरा माफ करी ओ मैनू माफ करी पीरा माफ करी ओ मेरे दाता जी हुण बख्श दियो मेरे दाता जी मैं हाथ ते सरों जमा बैठी मैं फस गई सांप च लालच दे फस गई सांप च लालच दे पर आपे मौत बुला बैठी मैनू माफ करी पीरा माफ करी मैनू माफ करी साइया माफ करी बैठी मैं फस गई सांप च लालच दे फस गई सांप च लालच दे पर आपे मौत बुला बैठी मैनू माफ करी पीरा माफ करी हाय मैनू माफ करी पीरा माफ करी मैनू माफ करी साइया माफ करी दानी ने अपनी सस की जान शिकंजे विच फसी वे के तो कुछ यूं कह रही है दानी जत्ती सस दे बोल सड़के लख दाता जी पीर नू त्यों लगी आवाज सुन के पीर ने कुछ एक करिश्मा रचिया लख दाता जी आप जानी जान पू
ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦਾਨੀ ਜੱਟੀ ਦੀ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਸੱਚੀ ਵੇਖੋ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਜ ਛਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਝਪਕੀ ਤੇ ਸਪਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੰਦੀਰਾ ਉਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਟੱਬਰ ਵੇਖਦਾ ਖੁੱਲੇ ਸਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਟੱਬਰ ਵੇਖਦਾ ਖੁੱਲੇ ਸਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋਈ ਬੇਬੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੱਪ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੰਦੀਰਾ ਰਿਹਾ ਤੋ ਲੋਕ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਾਨੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਤੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈ ਭੈੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਔਂਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇ ਔਲਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਪੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਪੀਰਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਤੋ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਨੀ ਲੱਖ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਵੇ ਮੇਰਾ ਦੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਮੋਤੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਾਵੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਦਾਨੀਏ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਪੀਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਭਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਮੈਲ ਮੁਨਾਰੇ ਨਾ ਸੋਨਾ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜੇ ਦੇਣਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਸ ਬਿਨ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੀ ਸੱਸ ਸੋਹਰਾ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇਵਤਾ ਜਾਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ
सारी दुनिया का लड़ती है, मेरे मां बाप मेरे सस सौरा पूरी तरह देखते ने पीरा। पीर ने क्या दानी है जा, मैं खुश होके कह रही हूं कि तेरे पुत्र पैदा होवेगा, पर साडे नां दी ढोल वाले भराई नू सद के तार तो आ दी, मेरे वड्डे नगाहे अपने पुत्र दा सलाम करन वास्ते लियावी। बहुत अच्छा पीरा, हां खुशियां नाल अपने घर चली जा। तो दानी दे कोई समा पा के पुत्र पैदा होया, कहन लगी अपनी सस नू सौरे नू के अपा पीर दे सलाम करन वास्ते नगाहे जाना। ओदे सस सौरा कहंदे अपा उत्थे नहीं जाना, अपा जिथे जाने उत्थे ही जाना, जिन्हों असी मानते हैं उत्थे जाना। लड़ाई होई, नाराज होए, आकर अपने पति नू कहंदी है भी इन्होंने तो इदा ही करते रहना, तू मेहरबानी करके दस कदों जाना नगाहे और झंडा बनाना, झंडे दे नाल सलाम करन वास्ते जद तू चूरमा ले जाना ते की चढ़ाउणा। ओदे मुंह चो निकलिया 21 मोहरां चढ़ा देंगे। ठीक है, जदों तैयारी होई नगाहे जान दी, दानी दी सस ने अपने पुत्र नू मलक देनी बुलाया, 21 मोहरां तू कह दिता, तू इहनू बिना दसी 7 मोहरां चढ़ा दी मेहरबानी करके। चंगा, खुशियां दे नाल नगाहे नू चले जा रहे ने, इहदे मन विच इह आ के 7 मोहरां चढ़ाउणियां, 21 नहीं चढ़ाउणियां। मन दे अंदर मैल हो गए। चलदियां चलदियां जदों नगाहे दे नजदीक गए तो लड़के दी मौत हो गई। कहंदा दानी है काके नू मेरे को फड़ा दे। कहंदी नहीं, मैं केड़ा थक गई हां, फड़ाउंदी इस करके नहीं कि इहनू पता लग जाना इहदी मौत हो गई है, इहने मैनू नाराज होना कि तेरा पीर आया आपे दे के खो लिया। लड़का नहीं फड़ाया, नगाहे पहुंच गए। कहंदा दानिए तू इत्थे बैठ, पहला मैं सलाम करी आउणा। ओनू डर है कि 21 मोहरां ना चढ़वा देवे। दरबार दे अंदर जाके निशान चढ़ाया और 7 मोहरां चढ़ाइया, 14 रख लईया। मन विच विचार करदा कि पीर केड़ा वेखदा है। सलाम करके वापस आया, कहण लगा दानिए जा मैं सलाम करिया आ, हुण तू नाले आप सलाम करिया ते नाले काके दा सलाम करा लिया। बहुत अच्छा, जदों दानी बच्चे नू लेके दरबार दे अंदर गई, जदों दरबार वल तकिया अखां दे विचों पानी चल पिया, रौनक रलाण लगी। पीरा आपे देके आपे खो लिया। दरबार दे विच जाके मुजार दे नाल अपने पुत्र नू पा दिता ते जबान चो कुछ आ कह रही, आप नाल दे के पीरा आप ईत खोलिया, बड़ी भारी सबर सिदक मेरा टोलिया। सिदक मेरा टोलिया दानी जत्ती दा मोहन हो जुड़ेड़ा, जे मोया पुत जोदा ना करे तेनू लाला वाला किस नहीं उतरा, जे मोया पुत जोदा ना करे।
ਸੱਸ ਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਆਖਰੀ ਦਮਾ ਪਈ ਪਵੇ ਬੈਣਾ ਜੇ ਮੋਇਆ ਪੁੱਤ ਜੋਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੀਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਬਾਪ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਤੀਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ ਤੀਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਛਲ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਰੋਜੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਛਲ ਮੈਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇੱਕੀਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਮੋਹਰਾਂ ਇੱਕੀਆਂ ਚੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇੱਕੀਆਂ ਚੋਂ ਚੌਦਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਇਆ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ ਤੀਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਪੀਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਤੂੰ ਧਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਜੀ
साईयो करे पूजा पीरा सारा ही जहान जी। मैनू पटके नू सिद्धे राय पाया पीरा तू मैनू माफ कर दे बड़ी बार है तू सानू अजमाया पीरा तू मैनू माफ कर दे मेरा दिया सैया निगाह मेहरबानी मार दे खुले सरहारे वाले वांगू मैनू उतार दे मेरा दिया सैया निगाह निहाली मार दे खुले सरहारे वांगू मैनू उतार दे जू न चुकदा सी ए जो न चुकदा सी सीसिया चुकाया पीरा तू मैनू माफ कर दे बड़ी वारी है तू सानू अजमाया पीरा तू मैनू माफ कर दे दानी जट्टी दी और जागर सिंह दी फरियाद सुन के पीर ने लड़के नु जिंदा कर दिता। आवाज आई के दानिए जा अपने पुत्र दा नाम परागा रख दे ए दुनिया दे अंदर रोशन होएगा एनु भी दुनिया याद करेगी तेरा भी नाम दुनिया विच रह गया। तो खुशियां नाल वापस घर आ गए। एक हकीकत के पीर लख दादे नू लाला वाला क्यों कहंदे ने। सखी सरवर पीर लखा दे दादे जदों मुल्तान विच ब्याहण वास्ते गए घणो पठान दी लड़की बीबी वाई नू जदों वापस ब्याह के तुरन लगे तो लख दादा दी सस जो सी बेगम बहुत सारा रो रही है। लख दादा ने पुछया अम्मा जान आप क्यों इन्ना रोए लड़कियां दे तोरन ते मन ते जरूर भरदा पर तुहाडा ता रोना ही इक न्यारे जे ढंग दा। बेगम ने पिटिया पुत्तर ए जिगर दा टुकड़ा लड़की जो इको इक सी साडे तुहाडे पल्ले पा दित्ती ए तो बाद असी दो रूहां रह गईयां सात तो बाद इन्हां महलां विच कबूतर ही उड़नगे। तो लख दाता जी हस के कहन लगे अम्मा जान जे कबूतरां दी बात है कबूतरां नाल प्यार असी करांगे कबूतर असी लै जाने आ तां तुहाडे घर लाल पैदा होएगा। तो सस ने बेगम ने कहा पुत्तर मेरी ते उम्र ज्यादा तो लख दाता जी इउं कुछ कह रहे रख दिल दे विच तसल्ली दात पुत्र दी पावेगी पर अंदर नहीं कदे काली रात दे मगरों रुकी सवेर नहीं कदे काली रात दे मगरों रुकी सवेर नहीं पूरी हो जो मनसा तेरी होया की गे उम्र बढ़ेरी पूरी हो जो मनसा तेरी होया की गे उम्र बढ़ेरी उस पीर दे कर कोई काटा नहीं मां तू मुस्कुरा मैं भी
तेरे दर बार तो
संग जीओ सानू बड़ी खुशी है कि तुसी पहले दो भागां दी तरह ए तीसरे भाग नू भी बड़े चंगे ते सुचंजे ढंग नाल सुनिया। इस तीजे भाग विच भी असी ए जीवन कथा नू पूरी नहीं कर सके। ए जीवन कथा दा बाकी हिस्सा तुसी साडी आउण वाली नवी कैसेट लख दाता लाला वाला पीर पीर निगाहे वाला भाग चौथा वे सुनो। उस चौथे भाग में तुसी सुनोगे कि लख दाता जी दे पैरों जती नाल की संबंध सन, इना नाल मेल कदों किथे ते किवें होया। इस तो अलावा तुसी सुनोगे पीर गौस पाक जी दे एक बहुत ही प्यारे सेवक माधो शाह दी दर्दनाक कहानी। माधो शाह किथे दा रहन वाला सी ते कौन सी। इसने अपना मुर्शद गौस पाक जी नूं खुश करन लई अपने पुत्र नूं बल दे धूणे विच किवें भेंट कीता कि ओह अग विच सड़िया पुत्र जिउंदा होया। पीर गौस पाक जी दे इस अजीबो गरीब करिश्मे का भेद जानने लई तैयार करो साडी अगली कैसेट पीर निगाहे वाला भाग चौथा दा।